छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार के चक्रपाती हाई स्कूल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला मुख्यालय में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की अष्टधातु से निर्मित 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार के चक्रपाड़ी हाई स्कूल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला मुख्यालय में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की अष्टधातु से निर्मित 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज बलौदाबाजार राज्य के सम्मेलन एवं सर्व ब्राह्मण समाज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ। बलौदाबाजार में लगभग 2.5 घंटे छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज के बलौदाबाजार राज्य इकाई के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बिताए। कार्यक्रम स्थल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसके कारण सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम में ग्राम तिलदा बांधा बलौदाबाजार में पानी की अतिरिक्त व्यवस्था एवं मोकपा भाटापारा में कॉलेज का नाम रामनाथ वर्मा के नाम करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने किया। बघेल ने कहा कि सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए शिक्षा में सुधार जरूरी है, जिसमें गांव का विकास होगा, वहीं हम आने वाले भविष्य के लिए युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए गांव में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं। सभी समाजों में चल रहा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में इन्हीं के माध्यम से सामाजिक उत्थान और विकास की बात होती है, और मूलतः छत्तीसगढ़ में कृषक समाज है, और किसानों के उत्थान विकास कैसे हो, सामाजिक सुधार कैसे हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास की दिशा में समाज को भी भागीदार बनना चाहिए। मैंने आह्वान किया कि जो उत्थान है उसमें सभी किसान परिवार के अपने अपने गाँव के देखभाल करें, उससे हमारी कृषि हमारी सुधार होगा और हमारे आर्थिक व्यवस्था में उसका गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन चीज़ों को ध्यान दें। ये शासकीय योजना नहीं बल्कि हमारी अपने गांव की योजना है, और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आगे चल के जो गांधी जी की जो गाँव स्वराज है उसका सपना साकार कर सकेंगे। गाँव-गाँव में अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम स्थापित करेंगे, ताकि वहाँ जो चाहे वो कृषि उपज हो, लघु उपज हो, इन सब का, या फिर जो हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं जो तैयार हो रहे हैं, यदि छोटे मोटे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उनको भी वहाँ व्यवस्था दी जाएगी, ताकि गांव में रह के ही उत्पादन का काम कर सकें, और उसके विक्रय के लिए सीमार्ट की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, ताकि उन्हें विक्रय करने की परेशानी ना हो, किस प्रकार के घाटा ना हो, ये हमारी कोशिश। तो एक प्रकार से गांव हमारा उत्पादन केंद्र, शहर है वो विक्रय का केंद्र। सर, बहुत अहम सवाल है, खेड़ी में होली के दूसरे ही दिन ही नोटिस दिया गया और लोगों के ऊपर गैर जमानती धारा लगाया गया, सर आपका क्या इसमें विचार है, क्या इसमें जांच है? सर, कल से स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ हड़ताल पे रहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अलग अलग लोग मांग करते रहते हैं, प्रजातंत्र है, सबको मांग करने का अधिकार है, और जो ज्ञापन देंगे उसमें वाजिब जो होगा उसे विचार करके निर्णय लेंगे। बुलाईगढ़ से राजू निराला की रिपोर्ट, ACN 24।